हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाले एक नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है, तो इसे हम एक बाउल में डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक तिहाई कप हरी मटर ली है, जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप यहाँ कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और यदि आप इस रेसिपी को स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। एक प्याज बारीक कटा हुआ। फिर मैंने यहाँ पर एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है, जिसे मैंने अपने हाथों से मैश कर लिया है। आलू को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही यूज करें, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है। यदि आप स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। एक तिहाई चम्मच डाल देंगे नमक। नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ अब एक चम्मच नींबू का रस। बहुत ही बढ़िया और चटपटा टेस्ट आता है नींबू का रस डालने से। आप यहाँ पर नींबू के रस की जगह आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे। आप यहाँ पर मसाले अपनी इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप यहाँ पर अपने मनपसंद किसी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और जो आपको पसंद नहीं हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर गाजर डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने यहाँ पर 12 ब्रेड की स्लाइस ली है। आप ब्रेड की स्लाइस कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ये नाश्ता बनाना है। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है। इस कटोरी से हम इसे कट करेंगे इस तरह से, और इसके आइट साइड्स के पार्ट को हटा देंगे। तो इसी तरह से हम सारी ब्रेड को कट करके रख लेंगे और इसके आइट साइड्स के पार्ट को हम अलग साइड में रख देंगे। तो मैंने सारी ब्रेड को सर्कल के शेप में कट कर लिया है, और जो इसके आइट साइड्स का बचा हुआ पार्ट है इसे आप ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज कर लीजिए। हल्का सा इसे तवे पे रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसे मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लीजिए। आपके ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे और फिर आप उसे किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अब हम इस तरह से एक कटी हुई ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसे बेलन की सहायता से बेलेंगे इस तरह से। सभी ब्रेड को हमें इसी तरह से बेलकर रखना है, तो पहले हम इस तरह से बेलकर सबको रख लेंगे। अच्छी तरह से आपको इसे बेलना है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार होता है। जब आप एक जैसा नाश्ता खा खा के बोर हो जाएं, तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। बच्चों को कुछ अलग अलग नाश्ते खाने को मिलते हैं तो बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो मैंने सारी ब्रेड स्लाइस को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक अपिस्टैंड लिया है, तो इसे हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल से इसे हमें ग्रीस करना है, एकदम ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब हमने जो ब्रेड के स्लाइस को बेल के रखा है उसे हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से स्टफिंग भरने के बाद हल्का सा हम दबा देंगे, ये देखिए। सेकंड वाले में भी हम इसी तरह से फिल करेंगे स्टफिंग को रखकर। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपको, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो आप यदि इसे इस तरह से तेज फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगी, क्योंकि हम ये नाश्ता ब्रेड का बना रहे हैं। तेल की जगह आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए तेल का यूज बहुत ही कम होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हमने जो इसके अंदर स्टफिंग डाली है उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इसी तरह से हम सारे सांचों में इन्हें भर लेंगे। तो मैंने सभी को अच्छी तरह से फिल कर दिया है। बहुत से बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, यदि आप इस तरह से वेजिटेबल्स की बढ़िया सी एक स्टफिंग बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। यदि आप इस अप्पे मेकर को खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इसे खरीद सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ये पके हैं या नहीं। इस तरह से हम इस वेजिटेबल बकेट को उठा के देखेंगे। ये ब्रेड है, बहुत जल्दी ही पक जाती है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, मीन्स कि अच्छी तरह से पक गई है। तो इसे हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जो नीचे की ब्रेड है वो हल्की सी क्रिस्पी हो जाए, उससे बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में।
ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये ब्रेड वेजिटेबल बकेट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। बच्चों को कुछ अलग अट्रैक्टिव दिखता है तो बच्चे बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो सभी को हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी ये ब्रेड वेजिटेबल बकेट बनकर तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।